हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। मैं आज आपको क्लास सिक्स की हिंदी मीडियम मैथ्स की प्रश्नावली 9.2 करवाऊंगी। इससे पहले की जो वीडियोस हैं वो पहले से ही चैनल में अपलोडेड है, आप जाके चैनल के अंदर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्रश्नावली 9.2 का पहला प्रश्न है, पांच गांव में पशुओं की कुल संख्या इस प्रकार है। इनकी गाँव ए में इतने पशु हैं, गाँव बी में इतने, गाँव सी में इतने, डी और ई में इतने हैं। तो हमें बताना क्या है कि हमें संकेत करना है। ये जो हमें यहाँ पे चिन्ह दे रखा है ना, इसका प्रयोग करके हमें 10 पशुओं को निरूपित करता है। यानी कि एक चिन्ह का मतलब है 10 पशु। इन पशुओं का चित्रलेखा बनाइए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है, गांव ई के पशुओं में कितने संकेत निरूपित किए गए, यानी कि ये संकेत। इसको जो है हम पीछे से जो इसके बैक में एक्सरसाइज के जो इसके हमें आंसर दे रखे हैं वहां से मैं आपको जो है इसको समझाऊंगी, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने ये सारा जो है बता रखा है। यहां पे देखो ये बना हुआ ना, तो यहीं से हम इसको जो है वो समझ लेंगे, क्योंकि यही चीज हमें बनानी है। तो देखो इस तरीके से हमें इसको बनाना है, गांव ए बी सी डी और ई, और जो एक चिन्ह ये जो दे रखा है संकेत, इसका मतलब है 10 पशु। ये 10 10 10 10, ये सब 10 है। तो 10 20 30 40 50 60 70 80, गांव ए में 80 थे तो इस तरीके से उन्होंने 8 बना लिए। गांव बी में कितने थे, 120, तो यहाँ पे 12 बना दिए। गांव सी में 90 थे तो 9 बना लिए। गांव डी में 40 हैं तो यहाँ पे 4 बना दिए, और गांव ई में 60 है तो 6 बना दिए। ठीक है, पहला प्रश्न उन्होंने पूछा है कि गांव ई के पशुओं को कितने संकेत निरूपित हैं। कि गांव ई में कितने हैं, यहाँ पे देख लो, 1 2 3 4 5 6 हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, किस गांव में पशुओं की संख्या अधिकतम है, कौन सा गांव। यहां से भी देख के पता चल रहा है आपको, गांव बी में सबसे ज्यादा पशु हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गांव बी में। उसके बाद सी का आता है, और सी है, किस गांव में अधिक पशु हैं, गांव ए या गांव सी में। गांव ए में 80 हैं और गांव सी में 90 हैं, तो किस में ज्यादा है, गांव सी में। ठीक है, प्रश्न दो है, विभिन्न वर्षों में एक स्कूल के विद्यार्थियों की कुल संख्या निम्न सारणी द्वारा प्रदर्शित है। वर्ष 1996 में 400 विद्यार्थी थे, ऐसे इन्होंने यहाँ पे सब दे रखे हैं। 2004 में 623 थे। अब हमें बताना है कि ये संकेत जो यूज करना है हमें, इसका मतलब है, इस एक चिन्ह का मतलब है 100 विद्यार्थी, और हमें जो इसी तरीके से ऊपर वाला प्रश्न किया वैसे ही करेंगे। 100 विद्यार्थी को निरूपित करता है एक, ये एक चित्रलेखा बनाइए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, किस तरीके से बनाएंगे ये, हम ये हमें बिल्कुल ऐसे बनाना है। ठीक है, पहले यहाँ पे सारे सन आपने लिख लेने हैं, और एक इसका मतलब है कि 100 विद्यार्थी। ठीक है, ये 100 100 100, यानी कि 1 2 3 4 400 विद्यार्थी 96 में, 100 200 300 400 500, और ये जो आधा है इसका मतलब है 50। ठीक है, यानी कि 550, 100 200 200 300 400, और ये 450, ये आधा है। ऐसे ही 100 200 300 400 500, और ये 600। ऐसी 2004 में 100 200 300 400 500 600, और ये आधा 600। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, ये 50 नहीं है, ये जो आधे आधे दे रखे हैं ना, देखो 1998 में जो है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 535 लिखा हुआ ना, तो 35 के लिए इसको आधा बना देना। आधा बना दोगे तो उसका मतलब 535 ही है। 2000 में इन्होंने क्या बोला हुआ है, 472, तो उसमें मतलब जो 100 से कम है या 50 से कम है जो, उसको आप इस तरीके से आधे बना सकते हो। ठीक है, चाहे वो 100 से कम हो, अगर 100 है तो पूरा ही बनेगा, अगर 100 से कम है तो इस तरीके से, या फिर 50 से कम है तो इस तरीके से ही आधे आधे ही बनेंगे। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा, और यहाँ पे संख्या तो दे ही रखी है। प्रश्न एक इसमें बनता है कि वर्ष 2002 में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितने संकेत निरूपित किया कर रहे हैं, यानी कि 2002 में कितने आ रहे हैं, इसमें कितने संकेत आ रहे हैं 2002 में, 1 2 3 4 5 6 संकेत आ रहे हैं। ठीक है, अब वर्ष 1998 में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं, कितने हैं 1998 में,
एक दो तीन चार पांच तो पूरे हैं और एक जो है वो अधूरा है, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, पांच पूरे और एक अधूरा, ठीक है। उसके बाद बी बनता है, कोई और संकेत लेकर जो 50 विद्यार्थियों को निरूपित करता हो एक अन्य चित्रलेखा बनाए, और कौन सा चित्रलेखा अधिक सूचनाप्रद है, यानी कि अब हमें यही चीज बनानी है, लेकिन पहले हमने ये संकेत लिया जिसमें इसको हमने 100 विद्यार्थी माना, अब कोई और संकेत ले लो, कोई भी संकेत, आप ऐसे एक ट्राइंगल भी ले सकते हो इस टाइप से, ये संकेत ले लो और इसका मतलब आप 50 विद्यार्थी मान लो कि एक में जो है वो 50 विद्यार्थी हैं, और आपने जिस तरीके से हमने ये बनाया ना उसी तरीके से हमें बनाना है, लेकिन हमने इस संकेत को 100 माना था, उसको हम 50 मान के उसको बनाएंगे, संकेत को मतलब उसका चित्रलेखा बनाएंगे, और जो दूसरे वाला होगा वो अधिक सूचनाप्रद होगा, क्यों, क्योंकि वो उसमें और भी ज्यादा जो है उसको गहराई से जो उसको बताया होगा, जहां पे 100 थे वहां 50-50 करके जो है उसमें बताया होगा, तो वो दूसरे वाला चित्रलेखा अधिक सूचनाप्रद है, या हम बनाएंगे तो वो अधिक जो सूचनाप्रद दूसरे वाला होगा, ठीक है। आपने बनाना बिल्कुल ऐसे ही है दूसरे वाला भी, लेकिन वहां पर जहां यहाँ पे आप ये संकेत यूज कर रहे हैं, वहां पे अभी ट्राइंगल वाला संकेत यूज कर लेना, जहां पे 100 के लिए आप एक लगा रहे हैं वहां पे 100 के लिए आपको ये दो लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ये 50 और 50 100 हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप वो बना सकते हैं दूसरे वाला भी। तो यहाँ पे हमारी प्रश्नावली 9.2 जो है वो कंप्लीट हो जाती है। होपफुली आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे, वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।